सो द टाइम अपडेट इज़ 4:26 PM आज 6 मई 2019 हो गया, सोमवार है आज, एंड द टेम्परेचर इज 31 डिग्री सेल्सियस। आई एम गेटिंग वन कॉल, लेट्स सी कौन है। हेलो, गुड इवनिंग सर, शिवानी बात कर रही हूँ, इंडसइंड बैंक से। बोलिए सर, इंडसइंड बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। सो दे ऑफर सम क्रेडिट कार्ड्स विच आई डोंट वांट नो, बिकॉज व्हाट हैपेंड ना, कि ये होता है कि मैंने बहुत बार इन लोगों का बहुत बार कॉल आता है और मैं बहुत बार अप्लाई कर देता हूँ क्रेडिट कार्ड इन लोगों के कहने पे, एंड देन वो क्रेडिट कार्ड होता नहीं है। तो बार बार अप्लाई करने से, और अभी इन लोग ऐसे कहते हैं कि ये है वो है ये है, तो मैंने 2-4-5-6 बार कर दिया था ऐसे ही इन लोगों के कहने पर, लेकिन वो क्या होता है, अल्टीमेटली क्रेडिट कार्ड आता नहीं है, तो उससे बेसिकली सिबिल स्कोर ख़राब होता है। और अभी मेरा जो है सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा चल रहा है, सो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब इट। ये देखो ये देखो, ये बॉल हमारे इधर से उड़ के गया, क्या बात है, ये यही है वो बॉल, यही। तो ये हुई बात। एनीवेज, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ होम टू वर्क स्टेशन टू होम गाइस। सो टुडे आई एम फीलिंग बहुत ज़्यादा फ्रेश, ऑब्वियसली क्योंकि आई स्लेप्ट अ लॉट। मैंने गेम ऑफ थ्रोन season 2 का episode 2 देखा लगभग 6:30 के आसपास, आई थिंक आई स्लेप्ट, एंड देन उसके बाद 8:30 बजे या 8:30 के आसपास रॉ साहब आए थे, क्योंकि मैंने उनको बुलाया था, क्योंकि जो वो मंदिर का लाइटिंग का सेटअप किया था उसका स्विच से ऑपरेट नहीं हो रहा था, मेरे मोबाइल से तो हो रहा था लेकिन स्विच से नहीं हो रहा था, वो कुछ इशू हो गया होगा। वो बताए कि स्विच में कुछ कचड़ा वगैरह कुछ ऐसा जो भी है, तो वो साफ़ वगैरह करके वो हो गया, एंड देन उसके बाद आई वोकअप बाई 3 PM ओनली विथ सीमा जी का कॉल। सीमा जी को मैंने बोला कि 4:15 बजे से क्लास करते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप तो लेट ही आएंगे, मतलब 4:30 ही, और देखो हुआ वही 4:28 हो गया। हालांकि आई थिंक आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स, एंड या सुप्रीमली फ्रेश, फीलिंग लाइक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश। बेसिकली आई फॉरगॉट वन थिंग, आई एम फीलिंग थर्स्टी यार, मैं फ्रिज का पानी पीना भूल गया यार, ये गलती कर दिया। और अभी एकेडमी में फ्रिज नहीं है, फ्रिज नहीं है कि बात आई, तो 2-3 दिन पहले सीमा जी से बात हो रही थी कि एक फ्रिज छोटा वाला लगा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि फ्रिज से अच्छा जो है हमारे तरफ एक वो मट्टी वाला जो होता है ना, सुराही बोलते हैं उसको, उन्होंने बोला कि सुराही रखी है एंड उसमें कपड़े वगैरह लपेटी है, समथिंग। तो आई थिंक आई शुड डू दैट, क्योंकि गर्मी की दिन है, तो गर्मी के दिन में बेसिकली क्या होता है ना कि आपको एसी और पानी, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यूजुअली हमारे घर का बिल जो है वो 500 से 800 जैसा आता है, लेकिन क्योंकि मैं एसी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, अभी 10 दिन पहले मैंने 2500 रुपये का बिल भरा, अभी फिर बिल आ गया 3000 रुपये का, तो 5500 का बिल आता है लगभग एक आध महीने का, एक महीने 40-45 दिन का, तो दैट आई हैव टू वो हो गया। और प्लस एकेडमी का भी बिल थोड़ा बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली एसी बंद ही नहीं होता है, और बहुत दिन से खिड़की जो है इस एकेडमी का मैंने खोला ही नहीं है, सिर्फ एसी ही चल रहा है, क्योंकि यू नो द टेम्परेचर इज़ 31 डिग्री सेल्सियस और एसी की यूज़ मतलब होनी चाहिए, राइट। इतने पैसे लगे हैं, 1-1.5 लाख रुपए लगा है एसी में, तो और गर्मी के दिन में अगर हम खिड़की खोलें तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। अभी एसी से याद आया, अपने एसी का सर्विसिंग भी कराना है, 3 साल तक उसका वारंटी गारंटी है। रोहित दास भाई हैं जो जिन्होंने सारा हमारा काम वगैरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया था, तो उन्होंने एक बार मुझे कॉल किया था, कि वो, या एक बार मुझे एसी वाले का कॉल आया भी था, ये ब्लू स्टार वाले का,
लेकिन मुझे लगा ये लोग कुछ AMC का बात कर रहे हैं, मैंने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे लगा ये लोग पैसे मांग रहे हैं। लेकिन दैट वॉज अ रिमाइंडर कॉल टू गेट द सर्विस डन, आई मेस्ड इट अप। फिर रोहित भाई ने भी मुझे बोला था कि कॉल आया था ये वो, फिर उनके पास से नंबर हट गया, अभी वापस उसको बुक करना होगा तो अपने ब्लू स्टार का सर्विसिंग कराना है। हालांकि मुझे अपने घर वाले AC वर्लपूल का भी सर्विसिंग कराना है, क्योंकि उससे कभी कभी ना कुछ बूंद बूंद, तो जब मैं रात में सोया रहता हूँ या TV देखता हूँ तो कुछ तो मेरे चेहरे पर बूंद बूंद बरसती हैं। बट नो वरीज, एक मिनट में लेट हो चुका हूँ, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। कोई आई? हाँ, नहीं दिया। अच्छा, ध्यान नहीं देते हैं सर। कोई आया अभी? अच्छा, वो जो है बाहर वाले उनको तो ध्यान ही नहीं रहता कभी। तो यस, सीमा जी आ गई हैं। तो 4:32 में होम टू वर्क स्टेशन टू होम यहाँ पर समाप्त होता है। कोई ऊपर गए? नहीं। हाँ, मैडम गई। अच्छा मैडम, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? 10 मिनट हो गया। 10 मिनट पहले गए हैं क्या? अच्छा, 4:30 का समय था। ठीक, 6 मई 2019 सोमवार हो गया आज, एंड द टेम्परेचर इज 29 डिग्री सेल्सियस। इट्स सो वर्क स्टेशन टू होम स्टार्ट्स हियर। टुडेज डे वाज एब्सोल्युटली ग्रेट, अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच ऑलमाइटी फॉर सच वंडरफुल डेज डे। आज जो है हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं जो कि शक्ति मोहन के साथ उनके डांसिंग ग्रुप के एक मेंबर हैं, कोरियोग्राफर हैं। वाज आल्सो सपोज टू, चलो सर बाय बाय। सो ही वाज आल्सो सपोज टू डू कोरियोग्राफी ऑन द डांस प्लस का जो शो है, लेकिन उनका एक्सीडेंटली एक एक्सीडेंट हो गया। तो वो 6-7-8 महीने के लिए मतलब बाहर घर चले गए थे, कुछ महीने अपनी दीदी के पास थे हैदराबाद में। तो टुडे ही केम बैक एंड ही वाज सेइंग कि सर आई लिटरली वांट टू लर्न एंड बी अ म्यूजिशियन। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने अपने साथ जो सारा कुछ हुआ वो कुछ बताया कि बेसिकली पहले मैं सबको कम फी में पढ़ा देता था, अब वैसा नहीं रहेगा। तो मैंने बताया कि जो कुछ भी अभी आप जो भी भर पाते हैं ठीक है, लेकिन उसको डेबिट अकाउंट में रखिएगा, मतलब कि इतना आपको बाद में मुझे जब भी आपसे आपके लिए अफोर्डेबल होगा तब आप वो पे कीजिएगा। सो दैट वॉज समथिंग विच हैपेंड। और अभी जाह्नवी के घर पहुँच चुके हैं, वो रहे दोस्त जाह्नवी के, और ये रही जाह्नवी। बाय बाय। आई थिंक द डोर इज क्लोज। सो अभी इनके कुछ चलो भाई बेटा, आई एम गोइंग होम बेटा, बाय। ये जाह्नवी के घर के नीचे वाले, बाय बेटा। तो इस तरीके से सौरभ आए, उनसे मिलना वगैरह हुआ। ही सेड ही विल बी स्टार्टिंग द क्लास, लेट्स सी। एंड देन अभिदत जी को मैंने आज थियोरी का कॉन्सेप्ट बताया, सो ही इज विलिंग टू एनरोल फॉर द थियोरी कोर्स। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या कैसे होता है। एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। आज आयुष आया था, फिर उसके बाद सबसे पहले सीमा जी, उसके बाद आयुष, आयुष के बाद अभिदत जी, अभिदत जी के बाद सौरभ, सौरभ के बाद जाह्नवी आई। एंड देन रिकॉर्डेड द सॉन्ग, आज मैंने रिकॉर्ड किया आंखें बंद करके जो एक चेहरा नज़र आया फ्रॉम ऐतराज़ मूवी। इट इज़ संग बाय उदित नारायण जी एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय
हिमेश रेशमिया साहब हमारे ऑल टाइम इंस्पिरेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन वृंदावनी सारंग राग जो जिसका कि आज मैंने प्रैक्टिस किया वृंदावनी सारंग राग का आज मैंने रियाज किया एंड यस इस तरीके से चीज़ें रही आई एम सुप्रीमली वेरी मच हैप्पी एंड सो मच एक्साइटेड वन टाइम मील इज़ एक्चुअली फाइन कल रात में क्या हुआ था कल बेसिकली जानवी ने लाया था बाजरे की रोटी एंड बैंगन का भरता तो मैं आई थिंक थोड़ा यूजुअली जितना खाता उससे कम खाया था तो रात में मैं वो सिजवान वाला जो सिजवान का सोया स्टिक था कुछ तो वो मैंने ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म कर दिया एंड मतलब बेसिकली मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं कोई भी जो स्नैक्स रहता है ना उसके डब्बे को या उसके पैकेट को जब मैं खाना स्टार्ट करता हूँ ना तो मेरे से रुका ही नहीं जाता यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ख़त्म ही करके छोड़ना हल्दीराम का ऑल इन वन जैसा कि मैंने चर्चा किया था तो हल्दीराम का ऑल इन वन भी मैंने एक ही शॉट में और आज आई एम सो मच एक्साइटेड एपिसोड सीज़न टू गेम ऑफ थ्रोन्स के सीज़न टू के एपिसोड 3 एंड देखेंगे कहाँ तक एक्सटेंड कर पाएंगे सबसे पहले तो एडिट वगैरह करके काम अपना सारा कंप्लीट करना है एंड देन उसके बाद विल डू दैट सो यस ऐसा कुछ चल रहा है अभी फ़िलहाल और हम घर भी पहुंच चुके हैं 15.1 किलोमीटर इन नियरली 3 डेज सो द टाइम अपडेट इज़ 12:04 PM आज 7 मई 2019 हो गया मंगलवार है आज एंड द टेम्परेचर इज 29 डिग्री सेल्सियस इट सेल सो दैट वाज ऑल फॉर दिस होम टू वर्क स्टेशन टू होम गाइस दैट इज़ माय 2 बाइक एंड हियर इज़ द कार आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्किंग एरिया सही है बहुत सही और हमारे सीनियर सिटीजन भूख रहे हैं हमारी शर्मीली आ गई हमसे मिलने अरे चरमाने का नहीं बाय अरे मेरे शेरू भी आ गए पैसा बेटा पैसा बेटा पैसा बेटू पैसा बेटू 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 अब देखो ये दोनों खेलेंगे इनका मतलब आजकल डेली रूटीन हो गया ऐसा वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत से ही दोस्तों बहुत से अरे वाह एक और मेंबर आ गया वाह वाह वैसे बदमाश मेरा सबसे ज़्यादा बदमाश यही है ये सबसे ज़्यादा सही है और वो तो सीनियर ही है चलो बाय बाय सो चलो गाइस बाय बाय ये देखो इनको देखो